हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई, बहुत बड़े नंबर में वैकेंसीज है। 4500 परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया जॉब है, मतलब पूरे देश भर से एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन भी कर सकेंगे और साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पर इसकी पोस्टिंग भी होती है। तो इस वीडियो में हम खास, हालांकि एडवर्टीजमेंट आई है आप सभी को पता रहेगी, लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, एप्लीकेशन फी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एटसेट्रा। तो आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो ये एडवर्टीजमेंट है, आप सबने देखा होगा शायद, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। तो इसका जो टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 6 दिसंबर 2022, तो 6-10 दिसंबर को ही ये अपलोड हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसे हम बुलाते CHSL। CHSL का मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। इसके ऊपर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आपने बी बी टेक या जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, बट मिनिमम 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 6 दिसंबर को, 4 जनवरी 2023 तक लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकेगी। और इसके बाद इसके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिए हुए हैं। टीयर वन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगी। टीयर टू एग्जाम भी होंगे जो कंप्यूटर पे होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होंगे। टीयर वन एग्जाम फेब और मार्च में हो सकते हैं, टेंटेटिव डेट दी हुई है, फेब मार्च में होंगे। और टीयर टू के लिए अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो फरवरी मार्च में अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो है वैकेंसीज की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में, देयर आर अप्रोक्स 4500 वैकेंसीज। तो अप्रोक्स मतलब थोड़ा प्लस माइनस 100-200 हो सकता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। 4500 के लगभग वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल पर है। रिजर्वेशन यहां पर मिलेगी, और रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी एटसेट्रा कैटेगरीज अवेलेबल एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या पोस्ट है, पोस्ट का नाम क्या क्या है जो यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं इसमें। तो 4500 पोस्ट में रहेंगे आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहेगी, लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जेएसए जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, यही पोस्ट है जो रहेंगे। अब इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम चेक करेंगे, एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 27 इयर्स होना चाहिए। जब अपर एज लिमिट 27 इयर्स बोला जा रहा है, मतलब ये जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी के लिए है। अगर आप 1 जनवरी 2022 से एज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 27 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है, एससी एसटी कैंडिडेट अगर है तो 5 इयर्स अपर एज लिमिट में, मतलब एससी एसटी कैंडिडेट है तो 32 इयर्स। एज आपको कैलकुलेट करना 1 जनवरी 2022 को बेस लेके। ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी को मिनिमम 10 इयर्स क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 10 इयर्स, फिर अगर किसी अलग रिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो और भी रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 3-4 पे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी क्या, किनको नहीं देनी है फी, किनको देनी है फी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पेज नंबर 8 ऊपर आप देखेंगे, पेज नंबर 8.9 सीरियल नंबर 9, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 4 जनवरी 2023 तक ही आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां मांगी गई है वो हो जानी चाहिए, पास हो जानी चाहिए आपने। तो क्या चाहिए सभी पोस्ट के लिए, एलडीसी मींस लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर, इन सभी के लिए सेम ही है, 12th पास होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं डाला गया, तो ये अच्छी बात है। 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मिनिमम इसके ऊपर की भी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये जो मांगी जा रही है 4 जनवरी 2023 तक आपके पास होनी चाहिए, मतलब अभी आप अपियरिंग है या जो भी है, तो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जा रहा है या आप पास हो जा रहे हैं 4 जनवरी 2023 तक, तभी एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी, हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, पोर्टल पे भी हम चलेंगे। और लास्ट डेट रहेगी 4 जनवरी 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए।
सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, काफी सारे सेंटर दिए गए, सेंटर ऑफ एग्जाम अगर आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, सभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट में मल्टीपल सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, तो वो यूनियन टेरिटरी या स्टेट सभी जगह पे मल्टीपल सेंटर्स, कई सारे मतलब सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें जो भी आपका प्रेफरेंस रहेगा उसमें ऑप्शंस में आप दे सकते हैं, अगर वो अवेलेबल रहता है तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सेंटर। तो दो टीयर होंगे एग्जाम में, टीयर 1 एंड टीयर 2, और इसकी स्कीम वगैरह दी हुई है। टीयर 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ये बताया गया यहाँ पर पेज नंबर 13 पर। टीयर 1 में आपका एग्जाम है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, 60 मिनट्स का क्वेश्चन रहेगा, 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का रहेगा। उसके बाद फिर रहेंगे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे बुलाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग रहती है हाफ मार्क की। और इसके बाद टीयर 2 एग्जाम रहेंगे, टीयर 2 एग्जाम के भी सिलेबस दी गई है यहाँ पर, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 से इस तरीके से दे दिया गया, क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप के मतलब सेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद फिर रहता है स्किल टेस्ट भी है, मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी है, तो स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये सब। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है, और तो बेसिकली टीयर 1, टीयर 2, टीयर 2 में ही स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या ऐसी चीजें रहेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दे दिया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 आर एज फॉलोज। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लाने ही होंगे। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन बेसिस ऑफ टीयर 1 एग्जाम, टीयर 1 में की परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद फी जो रहती है वो 100 रुपीज रहती है, और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फी नहीं रहती है, तो फी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है पेज नंबर 27.G में, सीरियल नंबर जो, फी पेएबल 100 रुपीज, विमेन कैंडिडेट, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST SM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन फॉर PWBD आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, ESM कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, इनके लिए 0 फी, नो फी है, और बाकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं OBC के, जनरल कैटेगरी के, उनके लिए एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रहेगी, फी नॉन रिफंडेबल रहती है। तो इसलिए अब यहाँ पर चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हम, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, और इसमें जॉब सिक्योरिटी रहेगी। लेटेस्ट न्यूज में ये आपको PDF में नजर आएंगे 6 दिसंबर की डेट से, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। तो 6 दिसंबर की डेट से नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2022, ये वाली जो है नोटिस हमें चेक कर लेनी है डाउनलोड करके, और जो मतलब करना चाहते हैं एप्लीकेशन वगैरह उनके लिए यहीं पर रहेगा अप्लाई, यहाँ ऊपर में अप्लाई लिंक रहता है। फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकेंगे। तो ये सारी चीज है इसमें, और पे स्केल दिया हुआ है पेज नंबर 1 पर ही, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, और सभी पोस्ट के लिए सेम ही है, ऑलमोस्ट 19,900 की बेसिक पे। अगर आप इसी पोस्ट से रिटायर होते हैं तो 63,200 की बेसिक पे, बेसिक पे का मतलब होता है कि ये बेसिक है, इस पे अलाउंसेस भत्ते दिए जाते हैं, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मल्टीपल अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी। 35,38,000 इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो साल में 2 बार फिर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, साल ईयर एंड होने पर मेन जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है बेसिक वो होती है, तो इस तरह सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बाकी की डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ज्यादा है बेसिक पे, 25,500 की बेसिक पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो 40,000 के ऊपर सैलरी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाने वाली है।
ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने विकिपीडिया से तो नहीं लिया, आप विकिपीडिया से ले लें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके, या फिर मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी।